फिनिशेस नॉक थे वहाँ पे, प्लेयर्स बटन को खत्म नहीं किया आई टू ने। जी हाँ, एक बढ़िया डिसीजन आप कह सकते हैं कि देखने को मिलता हुआ, बट ऑर्गलेस 5 के इवोक उनको भी डाउन किया जाएगा। एलिच की बात करें वो आगे बढ़ जरूर रहे हैं, वन नाइट फाइटर्स मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा रहने वाली है। एक और ग्रेनेड आएगा, एरो को भी डाउन किया गया और अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं और डैमेज वो भी बहुत ज्यादा खा चुके हैं। और देखते ही देखते वन नाइट फाइटर्स का जो एलिमिनेशन है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही आए गाना, वो सबसे ज्यादा आगे हमें देखने को मिलते हुए, और ये लीजिए एक और फिनिश आता हुआ यूपी50 के खाते। चलिए तीसरा भी यहाँ पे आ ही जाएगा, उसमें भी ज्यादा इनको परेशानी होगी नहीं, बट नीचे क्या जाएंगे मुझे लगता नहीं कि वो नीचे जाना पसंद करेंगे। शेल्टर में आप एंगल्स अच्छे होल्ड कर सकते हैं, बट अब सिर्फ एक ही स्पाई लीड की जो टीम थी उसका भी एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और सेवन हिल्स बहुत ज्यादा ओपन में एक्सनोर और PYN के बीच में सैंडविच। PYN ने बहुत अच्छा फायदा उठाया उस पोजीशन का, बट निंजा क्या वो कुछ करेंगे? जी नहीं, उनको भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। एक्सनोर उनका मुकाबला अब है PYN से, जिनके पास एक ओपन एरिया है, वो हायर ग्राउंड है, बट वो ओपन में क्यों आए वहां पे? उनको बहुत आराम से यहाँ पे नॉक करा गया। बट अब क्या माइकी ऊपर जाते आपको नजर आएंगे? थोड़ी देर में जो उनको एक ब्रीदर मिला, उन्होंने वहां पे थोड़ी सी लूट भी कर ली, वापस आ गए और उन्होंने DPS भी यहाँ पे मेरे ख्याल से चेंज करी है। इनफैक्ट वो आगे आए तो ठीक है, वो सही था, पर वो पीठ दिखा के पीछे भाग क्यों रहे थे, वो थोड़ा सा गलत हुआ। इन सबके बीच में एक्सनॉट आखिरी खिलाड़ी को करना पड़ेगा, बट यहाँ पे गॉड की पोजीशन को शायद पता नहीं है, शॉट देने की कोशिश गलती करी वहां पे गॉड ने, मौका था उनके पास भी, नॉक कर दिया उन्होंने। टीम सेल्सियस वर्सेस EM की फाइट होने वाली, डीवस के पास प्राइम, उन्होंने ध्रुव को डाउन किया, दूसरा जो खिलाड़ी वो ऑटो पिकअप के चलते नीचे गए और हर्षु उनको भी डाउन किया जाएगा। ये बहुत बेसिक मिस्टेक है, हमने पहले भी इस बारे में चर्चा करी है कि ऑटो पिकअप आपको ऑफ करना पड़ेगा इस तरह के माहौल में, बट यहाँ पे तीसरे प्लेयर को भी डाउन करते हुए प्राइम इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। अपनी DPS की क्षमता उन्होंने क्लियरली यहाँ पे दिखाई है और तीन प्लेयर्स को एक एक करके नॉकल इग्नोर करके वो चले गए। क्या अभी भी जगह मिलेगी? क्योंकि जोन के अंदर ऑलरेडी मल्टीपल टीम ने गाड़ी लेके आए, गाड़ी कुदाई और यहाँ पे प्लेयर्स आते ही आए, बट सही है उनको भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। बट ये नेड कितना एक्यूरेट, कितना सीरियस नेड ये था, सीरियस की तरफ से ये नेड आया, तो को शिकार बनाएगा और उसके बाद एक और रेड, थोड़ा सा पैम्पर किया जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा डैमेज दिया जाएगा, बट सीरियस जरूर अपने फिनिशेस कंफर्म करना चाहते हैं। पूरी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्गलेस 5 बैकफुट पे जा चुके हैं और इसी चीज की मैं बात कर रहा था, वही मान्या ने एक और प्लेयर को स्पॉट किया था बट उनके ऊपर शॉट दिए नहीं, बट फाइनल वो उनकी जो लास्ट होप्स है वो बस तीन ही खिलाड़ी बचते हैं और सर्कल के एज पर वो भी मौजूद। ओ एक बढ़िया ग्रेनेड वहां पर आया और आप देखिए देखते ही देखते ऑर्गलेस 5 के साहिल वो फिनिशेस उनके पास जाएंगे, वन नाइट व्हीकल लेकर के वो आगे जाएंगे और वो पूरी तरीके से पुश इन करने की कोशिश करेंगे, बट मान्या उनको टेक डाउन किया जाएगा। इस पावर वो एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग नॉक निकालेंगे, अगर चेजर की बात करें उन्होंने चुके, इनफैक्ट नकुल वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे, एक 1v1 की ये बैटल अब यहां से बचती है, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे RIP के प्लेयर। यस ही डिड, तो आप एक एक शॉट वहां पर कनेक्ट कर पाएंगे अगर रीलोड आया और आप गलती से भी स्विच करने की कोशिश। मुश्किलें उनकी भी बढ़ रही हैं, RIP के लॉर्ड वो थोड़ा ओपन में थे, उनको स्पॉट किया गया, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और आईकू सोल को आप, बट फाइनली जिस बैटल की हम परीक्षा लेने वाले थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वो यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है जहाँ पे विज़र्ड अब अटैक करना चाहते हैं, बट दो प्लेयर्स को एक साथ वहाँ पे नॉक करा जाएगा। हाँ, ट्रेड लिया गया और लास्ट होप के ज़ेन फाइनली नॉक करे गए। मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट होप के खिलाड़ी थोड़ी देर पहले ही तो देखे थे कि हाँ ऊपर कोई एक टीम मौजूद है, आइसोलेटेड प्लेयर को स्पॉट किया है उन्होंने, बहुत मुश्किल हो सकती है चेजर के लिए, लेकिन चेजर उसके बावजूद वो एक इम्पोर्टेंट नॉक निकालेंगे। पहले मुकाबले में भी चेजर ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था और यहाँ पर भी वो अकेला खिलाड़ी चार पे भारी पड़ता हुआ। देखिए थम जाइए, गलती हो सकती है, बहुत बड़ी वो गलती हो सकती है। बैक टू बैक दो खिलाड़ी को वहां पे नॉक किया गया, पैराडॉक्स HP बहुत ज्यादा कम, आप किसी को इस तरीके से कम नहीं आ सकते। एक और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, पैराडॉक्स HP उनकी कम थी, संयम वो एक आखिरी खिलाड़ी आपको बचे हुए दिखाई देंगे। क्या ये क्लच संयम के द्वारा देखने को मिलेगा या फिर नहीं? पहले मैच में 7 फिनिशेस और अब बचाए हुए एक आखिरी खिलाड़ी DPS, उसके पास एक खिलाड़ी को नॉक किया गया, दूसरे को डाउन किया, पर इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं कर पाएंगे। लॉर्ड वहां पर अपना एक खिलाड़ी वो खो बैठे फिक्सेस, वो भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। सल खिलाड़ी को वहां पे नॉक भी किया गया और आप देखिए सर्कल पूरा टीम आइकू सोल के पास था, लेकिन वो सर्कल के बाहर आकर के फाइट ले रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि फिनिशेस वो ज्यादा निकाल सकते हैं सर्कल के बाहर आके। और अब एक 1v4 की सिचुएशन जा सकते हैं, निर्वाणा उनके ऊपर चार्ज जाता हुआ, निर्वाणा मान्या उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और देखते ही देखते मान्या के हाथों 5 प्लेसमेंट पॉइंट उस टीम के पास। और मैं खुश हूँ मेडल ई-स्पोर्ट्स से कि पिछले मैच में चलिए आपने फिनिशेस निकाले, इस मैच में वो प्लेसमेंट पॉइंट भी। देखना ये कि कौन जीतने वाला है क्योंकि अब 8-bit की स्कोर मशीन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ने वाली है। प्रिंस उन्होंने आदित्य को देख लिया,
डाउन किए गए हैं, अभी तक उन्हें फिनिश किया तो नहीं गया, पर TWL उनके पास मौका बहुत ज्यादा, और आप देखिए तो सही कितनी ज्यादा तेजी में वो खिलाड़ी आए और अब थर्ड पार्टी करने को तैयार। जी हाँ, मेरे को लगता है कि इन दोनों ही टीम्स की फाइट में GWL वो टीम रह सकती है जो बाजी मार के जाए। सारे जब बिल्कुल स्लाइट रिच है, जिसका एडवांटेज उनको मिलेगा नहीं। रोनी का नेड करेगा नॉक, नकुल का स्प्रे करेगा नॉक, एंड हियर यू ओजी, उनका जो खात्मा है वो भी अब लगभग तय, और फाइनल नेल इन द कॉफिन कुछ इस प्रकार से वे के आमने सामने है। देखते हैं इंपॉर्टेंट जेंजी ने उठाया ना, इस बार भी रिनी को डाउन किया गया। इन सबके बीच में एक और फाइट की शुरुआत हो चुकी है, सेल्सियस वर्सेस वन नाइट फाइटर्स, उनको भी आप देख पाएंगे। क्या उन्हें अंदाजा है कि अंदर के साइड पे एक और खिलाड़ी मौजूद है? चलिए फाइनली उन्होंने देख लिया DBS का प्रहार, एरो वो आपको नॉक दिखाई देंगे। देखिए सेल्सियस को समझ में आ चुका है कि अगर अपने आप को और ऊपर लेकर के जाने तो फिर अग्रेशन दैट्स द ओनली थिंग जिनके ऊपर उनको फोकस करना पड़ेगा। मोलोटोव भी आई है, बहुत ज्यादा डैमेज आया है वहां पे मोहित के ऊपर। संधू की बात करें, अपने आप को हील करेंगे और उसके बाद वापस से वो फाइट में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। गॉड भी डाउन है, और ऐसे भी दिक्कतें ओजी के लिए ज्यादा हो सकती है। सेल्सियस ने ऑलरेडी टीम फिनिशर्स निकाल लिए थे, और ये लीजिए मोहित वो कर क्या रहे हैं, वो खिड़की के पास वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, और मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी उनकी। चौथा फिनिश जो काफी आसानी से आ जाएगा, और आप देखिए एक खिलाड़ी जो नॉकडाउन को रिवाइवल भी प्रतिद्वंदी है, आप बात करें कि उनका जो हेलमेट वेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होगा, और यहाँ पे फाइट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर सलमान फिलहाल के लिए तो उनको फाइट लेना है, और वो चाहते हैं वो फाइट ले रही है पुश इन करने की प्राइम। वो एक बॉलेट ऑफ करते हुए नजर भी आने वाले हैं, और UP50 के पास ब्रीदिंग स्पेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे। ऐसे में पुश इन करना वो एकमात्र ऑप्शन जो उनके पास बचता है, लेकिन प्राइम ये आप कर क्या रहे हैं, मल्टीपल शॉट वहां पे मिस किए गए। UP50 मात्र एक खिलाड़ी अब बचता है, नाम रहेगा एनोनिमस। देखना ये है कि क्या वो कुछ यहाँ से कमाल करके जा पाएंगे। कम से कम रिवाइव करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अभी भी 6 सेकंड का समय है, पर ये 6 सेकंड का समय उनके लिए पर्याप्त होगा नहीं, क्योंकि अभी भी वो सर्कल के अंदर मौजूद नहीं। अगर आप रिवाइव कर भी देते हैं तो भी जोन का डैमेज पड़ेगा, और वो खिलाड़ी वहां पर नॉक होता हुआ दिखाई दे सकते हैं। पर यहाँ पे आईफ्लिक्स वर्सेस माई टाइम नाउ की ये फाइट हमें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे डार्लिंग ने हक किया है जोकर टॉप जी को, और इंस्टेंटली डाउन करते हुए उनको नजर आएंगे। देखना ये कि क्या वो अपने को हील करने के लिए भी जा सकते हैं, बट फर्स्ट एड उनके पास मौजूद नहीं, और इंस्टेंट रिटेलिएशन हमें देखने को मिलेगा। डूम वो आगे बढ़ते हुए अपनी डबल बैरल शॉटगन के साथ एक और बुलेट का कनेक्शन, डूम 1v3 इन अवे करते हुए नजर आएंगे। वो अटैक करना यहाँ पे चाहते हैं, गाड़ी घुमाते हुए जूसी वहाँ पे पकड़े गए, और बाइक के प्लेयर्स भारी पड़ सकते हैं। एट बेट अपना एक प्लेयर गवाते आपको नजर आएंगे। स्काइलर एक अच्छा नेड, उनको भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा, बट फ्रोस्ट ही इज नाउ Not anymore. चलिए मैं बोल ही रहा था इस द लास्ट प्लेस स्टैंडिंग, बट नॉट एनीमोर। जहाँ पे हमने शुरुआत में देखा माई टाइम नाउ बगी के टायर पंचर करे, दो प्लेयर्स को आगे भेजा, और वहाँ पे बहुत आराम से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी नॉक पड़ा है, मोलोटोव हिट हो चुका है, उनको डैमेज पड़ेगा, और वो खिलाड़ी समाप्त भी हो गया। मिकी की बात की जाए वो यहाँ पर समाप्त कर दिए गए, और पेंटॉक्स की जो फाइट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। बट एक्सनोर देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक्सिक्यूट करते हुए एक प्लान को अलग एंगल बनाया, फ्लैग एंगल से वो यहाँ पे आए और अपने अपोनेंट को डाउन जरूर किया है। बट STR अभी के लिए पूरी तरह से बैकफुट पे ओपन में रहे कि आप शॉट्स तो दे ही नहीं सकते, आप वहाँ पे थे, अपनी गाड़ी उनका इंतजार कर रही है वहाँ पे, और आपदा को अवसर में भी उन्होंने बदला है। वहाँ पे जो व्हीकल है वो बर्स्ट करके एक कवर बना जरूर सकते हैं, बट मिकी की अगर हम बात करें वो पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आएंगे। जाने आदित्य वो बचे हुए वहाँ पे है जरूर। मैक की बात करें, HP उनकी ऑलरेडी काफी ज्यादा लो चुकी है, और आदित्य उनको भी डाउन किया जाएगा। मैक अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, हालांकि उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, और इसी रन ओवर करते नहीं है, सीधे जाके वो पेड़ में टकराए, लेकिन उससे पहले ही एक्स नॉर चुके हैं, लेकिन X7 वो एक बेहतरीन स्प्रे देंगे डूम को डाउन। ओमी माफ कीजिएगा, उन्होंने यहाँ पे स्प्रे करने की कोशिश जरूर करी। हिटमैन मीनवाइल पानी के अंदर वो जाएंगे, और पानी के अंदर उनको नॉक करा जाएगा प्रज्वल, वो प्लेयर जिन्होंने इतनी दूर एक शानदार स्प्रे करके दिखाया। मैं ओमी को समझ रहा था कि शायद ओमी ने वो नॉक निकाला है, और काफी ज्यादा उनकी तारीफ वहां पे करती पड़ती है। प्रज्वल ने वो नॉक निकाला, डैमेज हालांकि ओमी ने बहुत ज्यादा। अबे INT फ्यूरियस के पास देखने को मिलते हैं, स्पॉट उन्होंने किया एक तरह को, लेकिन व्हाट, इतने सारे स्प्रेज उन्होंने मिस किए, फिनिश उनको सिक्योर करना पड़ेगा जाते जाते। क्या वो कर पाएंगे? जी हाँ, वो फिनिश उनके खाते में जाएगा 10 फिनिश के साथ INT फ्यूरियस का एलिमिनेशन, और अब एक 1v1 की आखिरी बैटल। एक 1v1 की आखिरी बैटल बस्ती जरूर है। गैलेक्सी ने उन्हें स्पॉट किया अपने अपोनेंट को, और बहुत देखते फिनटॉक्स एक और खराब मुकाबला, जहां पर वो बहुत अच्छा कर सकते थे, क्योंकि फिनिशर्स के नंबर्स उनके पास बहुत ज्यादा थे। पर्टिकुलरली इस फाइट पर आते हैं जहां पे हिटमैन उनको ग्रेनेड का डैमेज पड़ा, डाउन किया गया। IGL वो ऊपर गए, डैमेज उन्होंने बहुत ज्यादा दिया था, पर वापस वो नीचे आए। एस अब वो बस थे एक आखिरी खिलाड़ी, और उनको भी समाप्त किया जाएगा। गलतियां हुई कहां पर इन सबके बीच में। मार्को जेड बैटल वर्सेस टीम आईफ्लिक्स की जो फाइट है वो भी शुरू हो चुकी है। आईफ्लिक्स
नुकसान उनको थोड़ा सा ज्यादा होता हुआ उसके लिए समाप्त हो चुके हैं और गेल ऑलरेडी वहां पर डाउन आपको दिखाई देंगे। हालांकि मार्केज बैटल वो बचे हैं मात्र केवल एक खिलाड़ी प्यूरी के साथ और वहीं पर जोकर टॉप जी उनको भी डाउन किया गया और अब डोम वो बचे हुए थे आखिरी खिलाड़ी वो तो क्लोज रेंज में काम आने वाली है। क्या उससे वो कमाल दिखा सकते हैं? वो फिनिश करने की कोशिश कर ही रहे थे अगर वो कनेक्शन भी मिलेगा डाउन करा जाएगा पिक्सल को और लिंच के पास अब मौका पुश करने का। यूएमपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो खिलाड़ी बाहर आया कवर देने के लिए एक और खिलाड़ी पीछे से मौजूद था टीम फिनटॉक्स। पांच फिनिशर्स निकाल चुकी है पर दो खिलाड़ी वो ऑलरेडी खो चुके हैं और अब सामने तीन खिलाड़ी बचे हुए हैं और उन सबके बीच में डीबीएस का बढ़िया प्रहार आता हुआ और वो एक जिस खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया था उसको वो फिनिश भी नहीं कर पाए और जिसको सबसे पहले नॉक किया गया था वो शायद रिवाइव भी कर दिया जाएगा। जी हाँ, जिनको रिवाइव किया था वही खिलाड़ी तब भी वो सर्कल के अंदर नहीं पहुंचेंगे। सर्कल का रास्ता बहुत दूर है। वही करा उन्होंने प्लेयर्स को एक सेवन के और शॉट्स देने की कोशिश यहां पे करते हुए गाड़ी ब्लास्ट करी एक प्लेयर की नॉर्मन बिल्कुल भी उनको छोड़ने वाले एक ग्रेनेड से पहले ही एक खिलाड़ी को डाउन कर दिया है और एक और खिलाड़ी के ऊपर ग्रेनेड का प्रहार उससे भी डैमेज उनको पड़ा है। अपने आप को हील करने की कोशिश पर उससे पहले निंजा उन्होंने देख लिया और आईएनटी का एक और अंदर आसानी से जा पाए पर इन सबके बीच में स्पाई एलीट उन्होंने बिल्कुल भी चहलकदमी नहीं करी। जी हाँ, वो होल्ड करते हुए अभी के लिए आपको नजर आए हैं बट जोन के अंदर तो उनको भी मेजी जाना ही पड़ेगा, दिशा में जाना पड़ेगा जहां से वो आए हैं। दिल से बुरा लगा पर फ्यूरी उन्होंने गैलेक्सी को नॉक किया एक ग्रेनेड का इस्तेमाल चिन के द्वारा फ्यूरी वो भी नॉक कर दिए गए गैलेक्सी वो समाप्त। पर कम से कम हमने आईक्यू सोल को 16 फिनिशेस के साथ देखा है, 10 इनके पास हो चुके हैं। मिराकल वो भी समाप्त, एक और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा और ग्रेनेड से वो गाड़ी ब्लास्ट हुई। बीस्ट वो यहाँ पर डाउन कर दिए जाएंगे। फ्रोस्टोपी वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी। अभी तक चार खिलाड़ी थे स्पाई एलीट के और देखते ही देखते तीन समाप्त और अब बचता हुआ है आखिरी खिलाड़ी और आप देखिए सेवन हिल्स वो रुकना नहीं चाहते हालांकि रोक दिया गया। बीवाई यही सलामत वो अपने पैरों पर दिखाई देंगे पर एसटीआर उन्होंने उस आखिरी खिलाड़ी को देखा और इसी के साथ उनको भी समाप्त किया जाएगा। सेवन हिल्स उनके भी खिलाड़ी गाड़ी लेकर आगे जाना चाहते हैं। क्रॉस वो आखिरी फर्स्ट एड जिसका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं बट सेवन हिल उन्होंने स्पॉट के यहाँ पे टीम स्टॉर्म को जो प्लेयर से उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा। 2-2 का एक बहुत ही नजदीक हमें देखने को मिल रही है। उनके सामने एक सेवन की स्पॉट रहने वाली है। आते ही एक नॉक निकाला गया और वो जो फिनिश है वो भी निकाला जाएगा तो एक्स सेवन अभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मैं देख रहा हूँ कि जूसी वो अभी भी हवा में है, वो कहाँ पर उन्हें जल्दी अपने टीममेट्स के साथ जुड़ने की जरूरत। बीच जोन का वो शिफ्ट आएगा, टीम एट पिट से एक बार फिर से दूर जाता हुआ ये सर्कल पर टीम एक्सनोर खुश बहुत होंगे इस जोन के शिफ्ट से। जी हाँ, और गैलेक्सी उन्होंने तो खैर इस वक्त स्कल को देने वाली बात। जी हाँ, देखता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। शायद ग्रेनेड वहां पे आया बट ग्रेनेड फटता हुआ तो नजर आया नहीं। अभी भी मैं फिनिश फीड पे वही चीज देखने की कोशिश कर रहा हूँ पर टीम एट बेट उनका तो खैर अब कोई जवाब है ही नहीं। 7 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं अकेले आदित्य और टोटल 14 फिनिशेस जो हमें जल्द देखने को मिलने वाले। प्रज्वल एक ग्रेनेड, उन्होंने 2 से 3 खिलाड़ियों को तो नॉक किया ही था और अब GWL दिक्कतें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक सेवन की बात करी जाए वो फाइट लेने के लिए आए पर उससे पहले वो जो खिलाड़ी थे वो आपको समाप्त होते हुए दिखाएंगे देंगे। ये सिचुएशन थोड़ी सी खराब, कौन किसको एलिमिनेट कर रहा है वो थोड़ा समझ से परे। चलिए, थर्ड पार्टी इसी का नाम है और यहाँ पे नेट से खत्म किसी को करा जा रहा है, कोई यहाँ पे रश है उसी से उन्हें काम चलाना पड़ेगा। 9वां पायदान, चलिए अब अगर यहाँ एलिमिनेट होते हैं तो फाइनली वो एक प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर जाएंगे। पर हाँ, जैसे मैं बात कर भी रहा था कि पाइथन सेवन हिल्स की स्क्वाड और साथ ही साथ एक्सनॉर ये तीनों ही टीम पिछले मैच में भी बहुत शानदार खेल कर गए, इस मैच में भी टॉप 6 के अंदर। जी हाँ, मेरे को लगता है पाइथन की स्क्वाड ने वहाँ पे स्पॉट कल का एज उनके पास आ चुका है। 8 फिनिशेस उन्होंने भी निकाले हैं लेकिन शॉट वो जहां पर भी जा रहे हैं उनके पास खींचे चले आ रहे हैं खिलाड़ी और अब ओजीज वर्सेस टीम ब्लास्टो की जो फाइट है वो होने वाली। रिनी वो तो वहां पर बैठे पहले से ही मौजूद थे, विजर्ड वो आखिरी खिलाड़ी थे, उनको भी समाप्त किया जाएगा। हालांकि वो विजर्ड का ग्रेनेड था जो गॉड को डाउन करेगा, आसानी से रिवाइवल पॉसिबल हो भी पाएगा पर इन सब सेवन हिल एक बार फिर से तीसरे पायदान पर, पिछले मैच में भी तीसरे पायदान पर एलिमिनेट हुई, फिनिशेस बहुत ज्यादा निकाले, एक बार फिर से उसी सिचुएशन में वो फंस गए। पर टीम पाइथन क्या बैक टू बैक 2 चिकन डिनर वो निकाल सकते हैं? हालांकि पिछले मैच में 9 फिनिशेस लेकर गए, इस मैच में अभी तक तो 3 पर 2 और नीचे हैं, अगर उनको निकाल पाए तो 5 फिनिशेस के साथ ये चिकन डिनर। देखना ये है स्टॉर्म के आगे क्या पाइथन्स वो रुक पाएंगे या फिर नहीं। मैन एडवांटेज जरूर हमें टीम पाइथन के पास देखने को मिलता हुआ। लोटॉस ग्रेनेड करने की भी कोशिश की जा रही है। मिकी की बात करें उनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, वो फोर्टेंस का एरिया के सर्कल के अंदर मौजूद है। देखने वाली बात जी नहीं, सर्कल के बाहर ही हमें स्टॉर्म के दोनों खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं।
कोशिश जरूर करेंगे पाइथन के प्लेयर की वो जोन के बाहर जाकर के उन फिनिशेस को अपना बनाए, और ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी की एक भी अंक एक्स्ट्रा वो देना चाहेंगे नहीं, पर जी नहीं वहां पे जो खिलाड़ी है वो बाहर की तरफ आए जरूर देख।